नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट का पेपर बहुत अच्छी तरीके से निपट गया है। लगभग 10 से 12 लाख लोगों का पेपर यहां भलीभांति संपूर्ण हो गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, मतलब आपका जो सेफ स्कोर बन रहा है उसके आधार पर कि एक कट ऑफ क्या हो सकती है। हालांकि अभी कट ऑफ के बारे में बात करना दोस्तों एक बेमानी होगा, क्योंकि अभी चारों शिफ्टों का पेपर नहीं हुआ है। चारों शिफ्टों का जब पेपर हो जाएगा तो एक एनालिसिस निकाला जाएगा, उसके आधार पे ही दोस्तों कोई कट ऑफ डिसाइड होगी। यहाँ ये कहना गलत होगा दोस्तों कि कट ऑफ हम बता रहे हैं, हम यहाँ ये देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने आंसर की अब तक मैच कर ली होगी कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल यहाँ ये हैं कि सर मैं SC कैटेगरी से हूँ, ST कैटेगरी से हूँ, फीमेल कैटेगरी से हूँ, तो यहाँ मुझे इतने मार्क्स मिल रहे हैं, इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, तो क्या मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं। तो इसी टॉपिक पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था आज की ही शिफ्ट के पेपर के बारे में, फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, जिसमें हमने गुड अटेम्प्ट की बात की थी, तो काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल वहाँ पर रह गए, तो वो सवाल दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेफ स्कोर पर तो बात करेंगे ही करेंगे, कैटेगरी वाइज भी हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से आ जाते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ को आप समझेंगे। देखिए, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं करने वाले हैं दोस्तों, बहुत डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि आपके मन में एक संतुष्टि का भाव पैदा हो सके। क्योंकि जब कोई बच्चा एग्जाम देता है उसे लगता है कि सर मैंने बड़ी मेहनत से एग्जाम दिया है, मेरा सिलेक्शन इसमें होना चाहिए। आपको भी पता है दोस्तों यहाँ पर 48 लाख फॉर्म फिल हैं और उसके सापेक्ष 60,000 हमारी वैकेंसी है। तो हम देखने वाले हैं दोस्तों कुछ आगे की प्रोसेस को, एग्जाम लेवल कैसा रहा। अब देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे चैनल वाले ये कह सकते हैं कि बहुत इजी पेपर आया। अब वो क्या है कि अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं चैनल पे तो हमारे हिसाब से तो पेपर सरल हो गया। लेकिन आप उस बच्चे को देखिए जो 4 से 5 महीने से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। भाई, 4 से 5 महीने पढ़ने वाला बच्चा और एक टीचर जो कई सालों से पढ़ा रहा है, तो उसके तुलना में उसको तो पेपर आसान ही लगेगा। लेकिन वास्तव में दोस्तों पेपर बहुत आसान नहीं था। ये कहा जा सकता है कि जो 2-3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, जो एक दो एग्जाम में और भी प्रयास किया था, जहां कम नंबर से रह गया था, उसके लिए पेपर 19-20 लग सकता है, उसको लग सकता है हाँ पेपर का लेवल तो भाई ठीक ठाक है। अब वही बच्चा दोस्तों इसमें नहीं, बहुत सारे बच्चे नए भी हैं इसमें, जो पहली बार ही यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको तो भाई पेपर आसान नहीं लगने वाला है, उनको तो टफ ही लगेगा पेपर। तो पेपर का लेवल दोस्तों हम ये कह सकते हैं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मेरा इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने ये एग्जाम दोस्तों नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ मैंने पेपर को देखा है जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था, क्योंकि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही पढ़ाते हैं, तो हमारा NPC गुरुकुल ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता है। तो उन बच्चों का सबका पेपर देखने के बाद, उनका मन लेने के बाद और उनका अटैम्प्ट देखने के बाद लग रहा है कि दोस्तों पेपर जितना आसान सोचा जा रहा है उतना आसान पेपर नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए बच्चे को घुमा के रख देंगे और सोचने का समय ज़्यादा है नहीं आपके पास, क्योंकि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर हिंदी का जो पोर्शन है वो हमारा 25 क्वेश्चन तो बहुत गुड है और बाकी 4 से 5 क्वेश्चन में हमें डाउट की स्थिति है, ये कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही बात होगी। दूसरी बात, यही कुछ सिचुएशन हमारी GS में बन पा रही है, 15 से 20 क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से टैकल कर रहे हैं, बहुत आसानी से उनको कर पा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद कॉन्फिडेंस क्वेश्चनों में नहीं आ पा रहा है कि सर ये लगाएं ना लगाएं, तो हमने उन पर तुक्का लगाने की कोशिश की। और हम करते हैं ऐसा क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बने, लेकिन सही तो वही होगा ना मेरे भाई जो हम सही करके आएंगे, जो हमें सही आंसर पता होगा, है ना। तो ये तो हो गई दोस्तों एक वैज्ञानिक बात, मतलब वैज्ञानिक तरीके से सोचने वाली बात। एक बात वो हो जाएगी कि आप हवा हवाई कुछ भी कह दो बच्चों के लिए, नहीं भाई इतनी कटाव जाएगी, फिर अगली वीडियो में कह दो नहीं भाई मैंने तो वो ऐसे कह दिया था, अब कटाव इतनी जाएगी। तो आप जो बात शुरू में कह रहे हैं वही बात आपको लास्ट में बोलनी है, क्योंकि बच्चे आगे भी आपको देखने वाले, दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी करने वाले हैं, तो मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, हम पूरा पॉइंट बात करने वाले हैं। तो एग्जाम का लेवल दोस्तों थोड़ा ईजी, थोड़ा मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन भी थे। भाई सब नए बच्चों के लिए हार्ड क्वेश्चन थे, इस बात की गारंटी मैं पूरी तरीके से ले सकता हूँ। भाई अब कोई बच्चा ऐसा ही की तैयारी करके बैठा हुआ है तो उसको तो नॉर्मल लगेंगे ही क्वेश्चन, लेकिन पेपर इजी, हार्ड और मॉडरेट तीनों लेवल पे ही था कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस हम लेकर के आएंगे, आप चैनल पर बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सटीक और सही एनालिसिस अगर देखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट विभाग में ही दोस्तों जुड़ा हुआ हूँ, है ना। मैं ऐसे कुछ नहीं कि आपको व्यूज के चक्कर में इस तरह का कोई वीडियो तैयार कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन दोस्तों होगा नहीं होगा, काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल है। कंफर्म होगा दोस्तों 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा, तो सबको एक पैरामीटर पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जो कि होगा। और 2 से 3 नंबर का फायदा हर उस बच्चे को होगा जिसका पेपर थोड़ा हार्ड था दूसरी शिफ्ट की तुलना में।
ये वाली बात आपको दिमाग में नहीं रखनी है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, आप टेंशन मत लें, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन बच्चों को भी मिल जाता है जो कम गलत करते हैं, है ना, इस तरीके से भी देखा जाता है। आगे आते कैटेगरी में कितना स्कोर, देखिए आप अलग अलग कैटेगरी है हमारे यहाँ पे, है ना, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, महिला है, फ्रीडम फाइटर है, तो अलग अलग कैटेगरी में स्कोर क्या हो सकता है, हम अगली स्लाइड पे आएंगे तो थोड़ा सा स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी मेरे भाई। तो स्विफ्ट फर्स्ट में हम कैटेगरी वाइज भी देखने वाले, पहले हम ये देख लेते हैं कि सर हमारा गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। अब देखिए एग्जाम के बाहर आने के बाद जो बच्चा पेपर को देख रहा होता है या जो आदमी उसे लेकर के पेपर देख रहा होता है, उसको लगता है अरे यार ये छोड़िया है तो ऐसा इसका आंसर तो ये था, अरे ये गलत कर दिया इसका आंसर ये था। लेकिन भाई साहब जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं ना तो सही क्वेश्चन को भी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही होती, यार गलत ना हो जा, माइनस फोर की नेगेटिव मार्किंग वन बाई फोर्थ की, ऐसी सिचुएशन होती है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, दो घंटे अरे घंटी ना लग जा रही, एक घंटा निकल गया, अरे आधा घंटा रह गया है, ऐसी सिचुएशन को ट्रीट करना, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अब कोई बाहर आ गया अरे यार इतना कांस्टेबल का एग्जाम इतना आसान आया था, अरे यार मैं होता ऐसा कर देता वैसा कर देता, जबकि उसी आदमी से कोई दूसरा एग्जाम निकला नहीं होगा अपने जीवन में। ऐसी बातें भी आपने सुनी होंगी, ये भी देखने को आपको मिल रहा होगा घर परिवार में मोहल्ले पड़ोस में, अरे इतना आसान पेपर यार इसमें मैं लाता 150 नंबर, 150 क्वेश्चन सही कर देता, 130 कर देता, ये हवा हवाई बातें, ये सच नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब बच्चा यार हिंदी में क्या, हिंदी को तो चार पांच टॉपिक रटने, हिंदी में तो पूरे नंबर आ जाएंगे, पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते भाई सब। डाउट की स्थिति जब बनती है तो नेगेटिव मार्किंग का जो खतरा होता है वो बहुत नहीं लगाने देता है क्वेश्चन को, फिर प्रेशर यार गलत क्वेश्चन कर दिया सिलेक्शन एक नंबर से कट गया फिर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन को डील करना वो एक बच्चा ही जानता है, एक विद्यार्थी जानता है जो परीक्षा में बैठा होता है। हिंदी का जो हम गुड अटेम्प्ट देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिए कोई बच्चा, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सुपर ब्रिलियंट है, अरे सर 35 में 35 मार के आया हूँ 37 कर दिए सर मैंने, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस औसत एवरेज बच्चे की जो भाई साहब 4 से 6 महीने पहले तैयारी कर रहा है या फिर सिर्फ वन डे एग्जाम की ही तैयारी कर रहा है, उसका टारगेट नहीं है यूपीएससी और यूपीपीएससी, वो तो उसको तो चाहिए कांस्टेबल की नौकरी, उसके हिसाब से दोस्तों ये एनालिसिस है। अगर आप बहुत सुपर ब्रिलियंट हैं तो भैया आप कहीं और जाके देखें, मैं उस तरीके से एनालिसिस यहां पर नहीं कर पाऊंगा। तो एक बच्चा जो औसत एवरेज बच्चा है वो लगभग जो अटेम्प्ट कर पा रहा है हिंदी में वो 28 से 30 के बीच में कर रहा है, इसमें और भी आगे तक जा रहे हैं बच्चे, लेकिन अधिकतर बच्चे जो हैं वो स्कोर यहां पर ये कर पा रहे हैं। जीएस का हाल थोड़ा सा खराब रहता है सभी बच्चों का, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत डिटेल में जीएस नहीं पूछी जाता, जीएस कहीं से भी डाल देता है कोई से पेपर में, है ना, वनडे हो चाहे कैसा भी एग्जाम हो। जीएस की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 20 से 25 का स्कोर अगर कोई बच्चा इसके बीच में या इसके आसपास कर रहा है बहुत सही, नेगेटिव हटाने के बाद, देखिए नेगेटिव मान के चलें आप किसी बच्चे के नंबर तो हिंदी में 30 हैं लेकिन गलत हो गए 6-7 क्वेश्चन तो वो कहाँ आ जाएगा आप देखो, है ना। इसी के तरह दोस्तों हमारे 75 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग और मैथ में थे, 75 क्वेश्चन के किस में थे, रीजनिंग और मैथ में थे, 37 क्वेश्चन हमारे हिंदी में थे और 38 क्वेश्चन हमारे जीएस में थे, कुछ इस पैटर्न पे पेपर था। पेपर ने इस बार इन्होंने मिक्स कर दिया पेपर को, जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर आता है ना, रेलवे का जो पेपर आता है उस तरीके से 5 क्वेश्चन मैथ के, फिर 5 हिंदी के, फिर 5 जीएस के, फिर 5 मानसिक अभिरुचि के, 5 रीजनिंग के, इस तरीके से दो दो तीन तीन क्वेश्चन के फेर में ये चल रहे थे। इससे और ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है बच्चे को, अरे यार ये क्या चक्कर है, अभी तो हिंदी का फिल होगा ना मैथ करना है, तो ढूंढ ढूंढ के करना पड़ रहा था, उसमें टाइम जा रहा था, अरे पहले हिंदी निपटा लो यार एक तरफ से, जीएस निपटा लो एक तरफ से, तो ढूंढने में भैया समय तो जाएगा ना भाई, गोला काले करने में भी समय जाएगा, वो लेके आएगा बार बार निजी लेटर साइन करो, अंगूठा लगाओ, फेस स्कैन कराओ, उसमें भी समय जाएगा, 2 घंटे में सारा काम करना है ना। अब मैथ और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन अगर यहाँ पे हैं तो देखिए मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, फैक्चुअल चीजें होती हैं, आपको रिकॉल तो कुछ करना नहीं, अगर आपसे आता है रीजनिंग में तो आप उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बना सकते हैं, उसको उस फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं तैयार, सेम मैथ में भी यही रहता है। तो अगर यहां पर दोस्तों आप 50 से 55 के बीच में अगर खड़े हैं, ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे कि कैटेगरी में क्या अंतर आएगा इसको देखते हुए, अगर आप इसके बीच में हैं तो दोस्तों ये चीजें बिल्कुल ठीक है, यहां तक आप बिल्कुल ठीक है। अभी आपसे चाहे कोई भी यूट्यूबर कह रहा है ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, इतनी कट ऑफ जाएगी 115 क्वेश्चन पे जाएगी, 110 क्वेश्चन पे जाएगी, ये सब हवा वाली बातें हो जाएंगी दोस्तों, इनमें कोई सच्चाई नहीं होगी। चारों शिफ्ट के पेपर हो जाए फिर भी मैं एनालिसिस करूंगा आपके सामने खड़े होकर, फिर भी मैं यही बात बोलूंगा आपको, ठीक है ना। अभी तो पहली शिफ्ट निपटी है, अभी होने दो चारों शिफ्ट तब पता चलेगा। तो ये जो स्कोर रहेगा दोस्तों ये 198 क्वेश्चन और 110 क्वेश्चन के बीच में होगा। अब कोई बच्चा हो सकता है 95 भी रह जाए, है ना, किस बुक कहेगा सर मैं तो इस दायरे में आ ही नहीं रहा हूं, तो 95 वाला भी बाहर नहीं समझे अपने आप को, ठीक है ना। पिछले साल की कटाव उठा के देख लेना कितनी कटाव गई है 49,568 की, समझ गए ना।
बहुत सही स्कोर है भाई, ये बहुत सही स्कोर है। 1/4 के बाद अगर आप इतना बचा पा रहे हैं, 2 घंटे का पेपर है और फिर इतने सारे प्रेशर के बाद इतने क्वेश्चन बचा पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, एक और एवरेज बच्चे के लिए थोड़ा जो सही होता है भाई, जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, जिसकी सालों की प्रैक्टिस है, वो थोड़ा ऊपर भी निकल जाएगा, 110 से ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं, कोई डाउट की स्थिति नहीं है। तो ये तो हो गया भाई हमारा गुड अटेम्प्ट दोस्तों, ये हमने गुड अटेम्प्ट देख लिया। अब आ जाते हैं कैटेगरी वाइज, बहुत सारे दोस्तों का सवाल चल रहा है सर मैं एससी में हूँ, मेरे 170 क्वेश्चन बन रहे हैं, 170 नंबर बन रहे हैं, 175 बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, 190 बन रहे हैं। तो देखिए जनरल, अब यहाँ अब देखिए एक यूपी ट्रिपल एससी आयोग उत्तर प्रदेश में काम करता है, उसकी कट ऑफ क्या होती है, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग लगभग समान होती है, एक एक दो दो नंबर का भी अंतर नहीं होता है, लगभग समान हो जाती है प्री की कट ऑफ। तो बाद में जब वो फाइनल कट ऑफ आती है तो एक एक दो दो नंबर का अंतर होता है, पहले कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है, यूपी पुलिस में आपको भरपूर अंतर देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में महिलाएं अगर हैं तो इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है, अगर जनरल कैटेगरी पिछले साल की कट ऑफ आप उठा के देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में अगर कोई महिला है तो आप मान के चलें कि वो अगर 75 से 80 के बीच में भी क्वेश्चन सही कर पा रही हैं तो बिल्कुल सेफ है दोस्तों, जहाँ तक मैं पिछली कट ऑफ को याद कर पा रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में दोस्तों अगर हम देखें 100 से लेके 105 वाला बिल्कुल सेफ होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत उसको नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाला अगर 98 से लेके 102 के आसपास है तो बिल्कुल दोस्तों सेफ जोन में उसे होना चाहिए। इसमें 102 से अगर आप ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 98 से एक दो नंबर नीचे हैं तो दुख की बात भी नहीं है, आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों ओबीसी के ही समकक्ष रहने वाली, बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसी कैटेगरी में अगर 90 से लेकर के 95 तक दोस्तों क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो यहां पर इनका काम भली भांति हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन की बात हो रही है दोस्तों। एसटी में अगर कोई बच्चा 85 से लेकर के 90 तक के बीच में है तो दोस्तों ये कट ऑफ उसके लिए बिल्कुल ठीक होगी, मतलब ये उसका स्कोर बिल्कुल सही होगा। फीमेल में दोस्तों अगर हम बात करें तो फीमेल की कट ऑफ दोस्तों अलग अलग आनी है, फीमेल की कट ऑफ मतलब ओबीसी फीमेल अलग आएंगी, जनरल फीमेल अलग आएंगी, ईडब्ल्यूएस फीमेल अलग आएंगी, ठीक है ना। तो महिला कैटेगरी की भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, लेकिन जनरल मैं बात कर रहा हूँ ना, जनरल महिलाओं की कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि जनरल महिलाएं कम फॉर्म को फिल करती हैं कांस्टेबल वाले को, बाकी ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी महिलाएं फॉर्म को फिल करने वाली हैं, ये वाली बात आपको ध्यान से समझनी होगी। तो महिलाओं की कट ऑफ दोस्तों अलग अलग आनी है, तो महिलाओं की कट ऑफ आप ऐसे मान के चले पिछली बार तो ओबीसी के टक्कर की कट ऑफ चली गई थी, ठीक है ना। तो महिलाएं अगर 100 से नीचे जा रही हैं, 100 से थोड़ा बहुत अगर वो नीचे हैं तो बिल्कुल वो सेफ मान के चले। मेरा मतलब ये है कि अगर 95 से 100 के बीच में फीमेल हैं, है ना, ये फीमेल में ज़्यादातर जो बात कर रहा हूँ वो ओबीसी फीमेलों की बात कर रहा हूँ, ओबीसी फीमेल में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई देखने को मिलेगी आपको। एससी और एसटी फीमेल अगर कोई बहनें हैं हमारी, है ना, एससी एसटी फीमेल हैं तो हो सकता है वो 80 से 85 के बीच में भी सेफ हैं, 80 से 85 के बीच में भी बिल्कुल सेफ हैं, हो सकता है कि इससे भी नीचे चली जाए एससी और एसटी महिलाओं की कट ऑफ, लेकिन ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा देखने को दोस्तों यहाँ पर। तो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस, आपको कैसा लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो अपनी दे सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का अपना एनालिसिस करने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हिसाब से होता है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह के, अभी देखिए अभी आप किसी भी निष्कर्ष पे मत पहुँचिए, ना ही मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँच रहा हूँ, मैं तो अभी सिर्फ आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप पूछना चाहते हैं, जैसे डाउट आपके मन में चल रहे हैं। अभी हम चारों शिफ्टों को देखेंगे, पहले सेकेंड शिफ्ट को वीडियो उसके ऊपर आएगा, फिर कल 18 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर चारों शिफ्ट का देखेंगे कि औसत एवरेज बच्चों का कितना बन रहा है, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी डिसाइड होने वाला है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी दोस्तों अब आपसे सेकंड शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।